अस्सलाम वालेकुम जी नादरीन, वेलकम टू दुबई। ताडे वालों मैनू, मेरे वालों तुहानू। भैन जी कह रहे ने कि मैनू तुसी ते भैन दुबई चले गए हो, ते जेड़ा साडे रोज कमेंट्स आउंदे ने उहदा जवाब कौन देगा? तुसी ते 50,000 प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड करके चले गए हो, ते जनाब रोज जेड़े रोजमर्रा दा हुंदा सी कि ये भाई ने ये कहा है, ये भाई ने ये कहा है, वह कौन दसेगा? सर मैं जिथे भी होऊंगा मैं तुम दसांगा, इधर तुसी मजा लेना बस। सब तो पहले मैं दस दवा मैं बैठा कितने हाँ। बैठा मैं जनाब है जे सोफे ते, इन्हें नहीं पता लगन दिया तुहानू। बैठा मैं है जी, इस कैफे का नाम है आधी रात। तुसी एक बड़ी पुरानी कहावत सुनी होनी है, आधी रात में मारग्रीटा मेरे हाथ में, अभी आएगा थोड़ी देर तक। भाई ऐसा शीशा इन्हें मैं पीता दुबई चो, यकीन करो सच्ची गल कर लिया। पैसे पूहे मैं कोई नहीं लैंदा किसी को प्रमोशन करने, जी चीज चंगी हो मैं दसनी होंगी। अच्छा जी, सब तो पहले आप थोड़ा दस दें यार, वो अवैस भाई नू बुलाना। अवैस भाई, अवैस भाई, अवैस भाई की हाल? अवैस भाई पहले तो दसो, आधी रात में नहीं, कला आधी रात, आधी रात, आधी रात की ना होंगे कैफे का भी आधी रात? मोस्टली लोग जड़े तुहानू पता है कि रात में निकलते हैं। बड़ा कितने बजे तुसी खोलदे हो कैफे? 12 बजे दोपहरे। ते आधी रात किधर? बंदा इत्थे 2 बजे बैठा होवे, 2 बजे बैठा होवे, उहनू फोन आ जावे तो कहे यार मैं आधी रात बैठा। पर अच्छा इंटरेस्टिंग नाम आ आधी रात। उस्ताद जी मैं तुहानू एक तरीका दसा कि जिहड़ा बंदा एक वारी कैफे आएगा ना, वह कैफे नू भुलेगा नहीं। ठीक है, शर्त लाओ, एक तरीका दसा। शेखां वाला कारोबारी, लो जी नादरीन, लो जी दरवाजे ते लिखे होंदे ना पुल ते पुश, तुसीं पुठा लिखना, बाहर लिखिया होवे पुश ते दरवाजा बाहर नूं खुले, अंदर जाण लगे लिखिया होवे पुल ते दरवाजा फिर बाहर नूं खुले। ऐ जिहड़ा बंदा एक वारी इंज कर लेगा ना पुठा, तां जी उह तुहानूं इस कैफे नूं भुलेगा नहीं। ठीक है, ऐ आंदी सर मिलियंस दे मशवरे यार, केड़े कैफे चो यार जिदे पुल ते पुश पुठा नहीं लिखिया उथे, भावे ना याद भी ना आवे ऐ रेफरेंस बन जांदा होंदा। सर एड्रेस केड़ा वा, की किथे है? आधी रात मेन दुबई अल करामा, मेन दुबई अल करामा जी। ठीक है जी, तुसी आउणा पोस्ट ऑफिस, नियर पोस्ट ऑफिस जी। जिहड़े शीशा पीण दे शौकीन ने ना मेरे वीर, उन्होंने आके वैस भाई नूं कहना जी असीं शो देखिया सी जानी भाई दा, उहदे च ओह सी केड़ा सी, इह बबल गम, बबल गम उठाने के लिए मैं तो जीए जाऊंगा, तेरा बबल गम मेरा बबल गम एक जैसा सनम। तुसी इन्हां नूं आके कहना वैस भाई बबल गम सानू पिया दिओ, ते तू फिर तुसी दसना वेखो कमेंट्स करने ने कि भी तुहानूं कैसा लगा सच्ची भी। ते भाजी इन्हां नूं मैनूं कुछ खवा पिया दिओ, कि तुहाडे कोल मुंडा हैगा जी जी, खबर मुंडा भेजो भाजी ते ना यार। अच्छा मैनूं गल दसो, हाँ जी सर, मैं इत्थे बह के पॉडकास्ट कर लिया करा, कोई गेस्ट बुला लिया करा, शो कर लिया करा, कोई टेंशन नहीं, पर कैफे तुहाडा अपना जदों मर्जी तुसी आओ। सच्चा पक्का? पक्का। लो जी आपां कोई इत्थे गैदरिंग रखदे आ चुगल मेला लाउण दी। अच्छा एक मिसाल आ, मैं तुहानूं एक दिन को कहिंदा कि भाजी ना दिन जिहड़ा ना 10 बजे तों लै के ना ते 11-12 1 बजे तक तुसी इह मैनूं दे दिओ सारा थल्ले वाला कुछ, लोग आउणगे खाण पीण के वी, लेकिन ओह आवे जिहड़ा जिहनूं मैं बुलाया। ओके, ते ओह 3 घंटे जिहड़े ने ना, 3 घंटे च मतलब 50 बंदे आ जाण, 60 आ जाण, उहनां दे नाल मैं इत्थे मिलां गिरदा, ओह खाण पीण के वी, यानी तुहाडे ओह बिजनेस ओदां ही रहेगा। सिर्फ ये होएगा कि वो सारी एरिया हो सकता फीमेल भी होने वे, मेरी भैणा मावा बच्चे तो नहीं आ सकते क्योंकि शीशा, हाँ तो अगर इदा हो सकता जी जी क्यों नहीं। लो मैं कितने दिन तुसी आखो, डन हो गया, डन हो गया। लो जी आप करते हैं, कोई ताड़ा केड़ा दिन ऐसा वा जिदन नॉर्मल होंगे, यानी कि कह लो कि एक हफ्ता इतवार पे ज्यादातर रश होता वीकेंड पे, जुमा हफ्ता इतवार, जुमा हफ्ता इतवार। अगर मैं कहां इन्होंने तिना दिनों चो एक दिन तुम मैं दे दो, लाइक हफ्ते वाले दिन 6 बजे दे दो शाम को, 6-9 कर लो, 6-8 कर लो, क्योंकि फिर उन्होंने भी छुट्टी होंगी ना। जी 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 बिल्कुल, तो तिना दिनों चो एक दिन वो टाइम जो पीक टाइम होंगे ना वो नहीं, लाइक उस तो पहले, क्योंकि लेट नाइट तो फिर फैमिली नहीं जाग सकती, 6-7-8 बजे हो सकता इदा, हो सकता। लो जी मैं इन्होंने कन्फर्म करके ना भाजी, 6-7-8-9-10 तक भी हो जाता, 12 तक भी कर लो भाई, इन्नी देर मैं पागल हो जाना 4 घंटे, 2-3 घंटे बस बहुत ने। ठीक है सर, वो करते हैं आप
वैसे भी तुसी आओ इतने आधी रात कैफे वैस भाई नू मिलो, मेरा रेफरेंस दियो, नाम भी दियो, माशाल्लाह मुछा चेक करो कि खूब। मैं पहले दिन देखा, मैं कहा यार गुड, मतलब ना खूबसूरत लग रहा है, ओवर नहीं लग रहा, सूट कर रही ने। पैनो भेजो उन्होंने की नाम से मुंडे का, खबर। अच्छा तू आके खलोता, पैन तुसी खबर हो? हाँ जी हाँ जी भाई। माइक आना था? अच्छा चलो फिर ठीक सारा। अच्छा जी खावर साहब, आप तुसी काम कर देते? हाँ जी हाँ जी। बैठ जाओ इतने सर, कोई गल, रिस्पेक्ट, तुसी ते काम कर दे हो, कितने साल हो गए तुहानू? चौथा साल। उच्ची थोड़ा बोलो। चौथा साल। चौथा चौथा ताड़ा एर की साल ताड़ा चौथा होना? हाँ जी। वो तो मरिया ना होंदा चौथा तीजा सतवां पंजवां, ताड़ा चौथा कितों आ गया? साल चौथा भाई, गाहक भाई, साल चौथा मेरा। अच्छा मेरी गल सुनो, चार साल तुहानू इह नहीं पता लगा कि जदों किसे कस्टमर को आओ ते मेन्यू लैके आई दा, मेन्यू लेके आए जल्दी जाए? क्लोजिंग दा टाइम आ दे। हां जी कदा टाइम आ? क्लोजिंग दा टाइम। क्लोजिंग दा टाइम आ ते जा, इत्थे की करन आ? एक गाहक ने बुरा होटल खलाया। एक गाहक, एक गाहक रहमत हुंदी आ, किते किते लिखिया देखिया भी चार रहमत हुंदे ने, एक नहीं हुंदा, किते पढ़िया किते भी 26 गाहक आउण ते फिर रहमत हुंदी आ, दो चार नहीं हुंदे। गाहक रहमत होती है, एक होवे दो होण 50 होण, तेरी शक्ल ही नहीं हैगी कि तेरे ते रहमत होवे। की खाना की हुन यार? मैं जो मर्जी खाना तू लै आ, जो मर्जी, बस ओ मैनू ओ पिया, ओ हरा जिहा जिहड़ा हुंदा की मिंट मार के लै गया, जिहड़ा कहिंदे आ मिंट मार के लै गया। 300 दिरहम दा? हैं 300 दिरहम दा भाई? 300 दिरहम दा? हां जी। जमजम च बणाउने आ? मैन्यू लैणा? हैं मैन्यू? नहीं मैन्यू मिंट मार के लै गया लिया रख दे रखता मैं ओवर करान लगा भाई। चलो वॉक जो मैं थोड़ी नादरी ना गल करना अपने ना। यार तेरे को स्टाफ कोई कोई फीमेल स्टाफ तमीज वाला होता वो नहीं है? बाजी आ जा, बाजी तेरा, बाजी बात सुनना, आ देख फीमेल ना रिस्पेक्ट कर दी ने। चल निकल शाबाश भाई, आगे हो जाए प्लीज। बाजी बात सुने। हाँ जी बोलिए। मेरी बहन कैसी है? ठीक। आ जाओ बैठो। किधर से हो आप? नेपाल से। हैं? नेपाल से। नेपाल से? हाँ जी। नेपाल? हाँ जी। तो आपको उर्दू समझ आता है? हाँ आता है, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? किधर से सीखा है आपने? दुबई से। आपको पता है आपका आपका खरबूजे जैसा मुंह है, पता है? हाँ। और आप माशाल्लाह मेरी बहन बड़ी प्यारी लगती है हंसती हुई। थैंक यू। दांत रोज साफ कर दी लगता। हाँ जी। है ना, पंजाबी समझ आउंदी? आउंदी है थोड़ा थोड़ा। तू केड़ी नेपाली है ना, तेनू पंजाबी भी समझ आउंदी, तेनू उर्दू भी समझ आउंदी है, दुबई आके सीख लिया। हसी भी जानी है तू? हैं? दुबई आके सीख लिया। दुबई आके सीखा है? कितने साल हो गए दुबई में? हो गए दो तीन साल। दो तीन साल, माशाल्लाह माशाल्लाह। दो तीन साल में कितनी बार गई हो वापस घर? एक बार। एक बार बस? वो फिर उन्होंने क्या भी निकल जा, चल जा। नहीं नहीं काम करना चाहिए ना इसलिए। चलो अच्छा मेरे लिए ना कुछ ले आओ। हाँ, उसको बदतमीज को ना भेजना अब। हाँ ठीक, नहीं लेके आती। किधर बैठी है तू? गल कर दिया। खालू आए तेरे? नहीं इधर आ। ओ भाई मेरी भैन आ, खालू की मतलब? ओ भाई केड़ी भैन, पौने घंटे च रोटी खा के तू कि फ्लैट है तेरी, ते भैन कहदी वेटर आ। ਬੈਵੇ ਬੇਟਰਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਣੋ ਬੇਟੀਓ ਜੈਸੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਸੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਾਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਈ? ਉੱਠ ਕਾਹਤੋਂ ਉੱਠ? ਉੱਠ ਜਾ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਯਾਰ, ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉੱਠ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੇਟਰ ਹੋ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਓਹ ਤੁਮੇ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਉਠੋ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਘਰ, ਇਹਨੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੇਪਾਲ ਕੇ ਪਾਲੀ ਆ, ਉਠੋ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਆ। ग्राहक के बराबर नहीं बैठते। किसके? किसके बराबर? ग्राहक। ग्राहक जी कौन है ये? मैं हूँ डॉन भी, मैं कौन है यार? तू बेटा हाले हो डॉन होना, तू इतना डॉन हो जाना है कि तू मंगन ते मजबूर हो जाना है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੁਬਈ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੰਮ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੀ ਭਾਈ, ਖਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੀਊਂਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਖਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾਦਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ, ਜਾ। ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੜਾ ਯਾਰ, ਵੀ ਡਿੱਗ ਜੂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜੀ। ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖੂਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਵਾਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਯਾਰ। ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸੌਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਹੈਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਬਲਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ, ਆਈ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਾਰ ਨਾਦਰੀਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਕਮੈਂਟ ਪੜ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪਲਾਈ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੋ ਜਾਨੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕੀ ਥੀ ਔਰ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਮੇਂ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਭਾਈ ਸ਼ੋ ਮੇਂ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਮੁਝੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਪਲੀਜ਼ ਭਾਈ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਸ਼ੋ ਮੇਂ ਬਤਾ ਦੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਆਈਡੀਆ ਦੂੰ ਭਈਆ। ਇੱਕ ਜੀਮੇਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਯੂਟਿਊਬ ਪੇ ਲੌਗਇਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਪਨੇ ਉਸਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਲਗਾਨੀ ਹੈ, ਕਵਰ ਫੋਟੋ ਲਗਾਨੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਅਬ ਆਪਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂ, ਕਿਆ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅਭੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਹੂੰ, ਯਹੀ ਪੇ ਮੈਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਉਸਮੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਆਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲਓ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਵੋ ਉਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਕਿੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਆਪ ਬੋਲਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਆਪ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਸਾਈਕਲੋਂ ਕੋ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਸਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਮੇਂ, ਕਿਸੀ ਸ਼ੋਪ ਮੇਂ, ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਮੇਂ, ਬੇਕਰੀ ਮੇਂ, ਜੋ ਆਪ ਕਰਤੇ ਉਸਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਵੋ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਆ ਹੋ ਕੁਛ, ਇਸਮੇਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਕੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਕਾਸਮ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਪਾਇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਓਕੇ ਜਾਨੀ ਸਰ, ਲਵ ਯੂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਕੋ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੋ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਮੇਂ ਰੱਖੇ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਟੀ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਉ, ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇਗਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ। ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਤੇ ਹੈ, ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਜੀਏਗਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਸੈਡ ਸਾ ਔਰ ਫੀਲ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਕਿਸੀ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਊਂ, ਅਗਰ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਊਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਬਣਾ ਲਓ ਸਦਰ ਬਣ ਕੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਮ ਭਾਗ ਜਾਏਂਗੇ। ਯੈਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਲੋਬਲ ਫੈਨ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਯੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਆਪ ਬਾਕੀਓ ਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਓ, ਸ਼ੋਅ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੇ ਚਲਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ ਸ਼ੋਅ, ਆਪ ਅਕੇਲੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਆਪਕੀ ਭੂਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਕਾਮੇਡੀ ਬਾਤ ਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਾਮੇਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਸੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੋ ਬਸ ਬਸ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਬਸ਼ ਚਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾਰ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਸਮੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਆਪ ਇਗਨੋਰ ਕੀਆ ਕਰੋ ਫਜ਼ੂਲ ਲੋਕੋ ਕੋ, ਲੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੇ ਹੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਲੈ ਉਹ ਮਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੈੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਯੇ ਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੋ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਸਰ 100 ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਦਾ ਗਾ ਦਿਓ ਸੌਂਗ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਔਰ ਆਪਕੀ ਟੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ 100 ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ 100 ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਯੇ ਥਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਦਰੀਨ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੀ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ ਇਹਦੀ, ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ।
ਨੀਂਦ ਆਈ ਆ ਯਾਰ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਏਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹਿ ਕਿਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਸਲਵਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਵੈਸ ਭਾਈ ਕੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਪਲੋਠੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਪੂਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲਾ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਹੋਟਲ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਸ ਕੰਜਰ ਦਾ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾ ਲਈ ਯਾਰ ਆਰਡਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਪਤਾ ਨੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਓ ਵੀਰੇ ਓ ਭਾਈ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆ ਅੱਗੋਂ ਪਠਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉੱਠ ਯਾਰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬੌਸ ਯਾਰ ਆਰਡਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕਿਆਮੋ ਤੇ ਆਮ ਆਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮੋ ਤੋਂ ਆਮ ਯਾਰ ਇਸਕੋ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਜਾ ਯਾਰ ਜਾ ਆਰਡਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਆਰਡਰ ਜਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬੌਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਘੁੱਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੁੱਠੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਆ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਹੀ ਨੀ ਕੈਫੇ ਚ ਵੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਕੈਫੇ ਜਿਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਪਾਨ ਥੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖਲੋਣ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੈਫੇ ਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਈਏ ਭਾਈ ਸ਼ਵੇਬ ਅਖਤਰ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਚ ਆ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਲਿਖ ਲਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕੀ ਵੇਟਰ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਯਾਰ ਜਾ ਨੀਂਦ ਚਾ ਤੂੰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਯਾਰ ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ ਯਾਰ ਬਾਇਆ ਲੈ ਲਈ ਯਾਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਬੜ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਹਫਤੇ ਕਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਝੇ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਹਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਮ ਕਿ ਆਪ ਐਸਾ ਕਰੇਂਗੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿੰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮਿੱਠਾਪੁਰੀ ਆ ਜਿੰਨ ਸੈਕਿੰਡ ਜੁਗਤੋਂ ਵਾਲਾ ਥਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੋ ਮਤਲਬ ਜਿਸਮੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੇ ਅੱਛਾ ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਾਈ ਟੈਪ ਲਾਈਕ ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਅਤਾਈ ਸਿੰਗਰ ਪੰਜਵਾਂ ਫਨੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਛੇਵਾਂ ਕੁਛ ਨਿਊ ਜੋ ਵੀ ਆਪਕੇ ਮਾਇੰਡ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਸਾਤ ਨਿਊ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਓ ਇਹ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੋ ਬੈਠੋ ਗਾਣਾ ਆਤਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਉਸ ਉਧਰ ਕਾ ਕਿਧਰ ਕਿਧਰ ਸੇ ਤੋ ਕਿਧਰ ਸੇ ਤੁਮ ਨੇਪਾਲ ਨੇਪਾਲ ਕਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋ ਉਧਰ ਕਾ ਗਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ
कुटू मैं कुटू सुपारी दाना कुटू मैं कुटू है ना। हाँ जी। इसका मतलब क्या है? इसको उर्दू में या हिंदी में इसका क्या तर्जुमा बनता है, ट्रांसलेट क्या है इसकी? कुटू म कुटू सुपारी दाना कुटू म कुटू है। अच्छा ये वो तो नहीं है जो जिसमें वो हल्दी मिर्चे कूटते हैं उसमें सुपारी दाना डाल के कुटू म कुटू? सुपारी दाना मीन्स जो सुपारी होता है वो है उसको कुटू, वो कूटते हैं जो उसको, वो कुटू कहते हैं उसको। कुटू का क्या मतलब है? पता नहीं, बस जैसा सॉन्ग है। अरे नेपाल का, नेपाल की लैंग्वेज है ना, तो नेपाली में क्या कहते कुटू मा कुटू को? कि मैं तो मुझे कुटू मा कुटू हूं, तो फिर दसेंगी इतना मालूम नहीं है। मालूम नहीं है? और नेपाल में क्यों, कि वहां यहाँ पे क्यों आई हो? काम करने के लिए। काम करने के लिए जरूरत थी घर में? हाँ जी। ओए मैं सब कह जाऊं। अच्छा कितने बहन भाई हो? तीन बहन है एक भाई। तीन बहन एक भाई, वहां पे घर अपना है? हाँ। तो भाई बड़ा है सबसे छोटा है? छोटा, मेरे से छोटा। अम्मी अब्बू? मम्मी है, पापा नहीं है। हाँ, गुजर गए। गुजर गए। अच्छा तो फिर घर में जरूरत थी? हाँ, हाँ। तो फिर तुम इधर आई? उधर भी कोई काम करती थी? नहीं उधर तो काम नहीं किया था, इधर ही आई हो। हाँ। तो अम्मी ने इजाजत दे दी कि चली जाओ? फर्स्ट तो नहीं माना, फिर बाद में। सबसे बड़ी हो तुम? नहीं छोटी। तुमसे बड़ी भी थी बहन? दो दो बहन है। वो क्या करती है? वो लोग काम करते थे, अभी तो शादी हो गया दोनों का। दो का शादी हो गया। हाँ। अब तुम रह गया? हाँ, और एक छोटी, एक छोटा भाई रह गया। तो अभी घर में तुम इधर से घर पैसे भेज दियो जो मिलते हैं। हाँ। तो घर चलता है। हाँ जी। ओहो तुम्हारा नाम माया है? हाँ जी। माया, ओके चलो। हाँ। और ये तंग तो नहीं करते कोई कैफे वाले? नहीं, नहीं, सब अच्छे है। हाँ। अवैस भाई बड़े अच्छे है ना? मुझे लगता है तुम जैसी जो होती है ना मोटो, वो ना कोई गलतियां गुलतियां करती रहती है। हाँ, हो जाती है ना तुमसे? सही बताना। हो जाती है। हाँ। इसकी ना तबीयत नेचर बता रही है कि इससे को पुठे सीधे काम होते हैं। चलो पाकिस्तान गई हो कभी? नहीं। इंडिया? नहीं। नेपाल से सीधा दुबई? हाँ। आ गई और दुबई अब यहाँ से बस नेपाल? हाँ। ये नेपाल इंडिया के साथ है? हाँ। बॉर्डर साथ है? हाँ, बॉर्डर साथ में। अच्छा तो पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में अगर जाने का चांस मिले एक देश में, किस देश में जाओगी, इंडिया या पाकिस्तान? ये तो पता नहीं, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, नहीं, एक, एक, एक बात कर रहा हूँ ना, अगर तुम्हें एक बंदा चांस देता है। हाँ। कि माया तुम या इंडिया चले जाओ या पाकिस्तान चले जाओ, तुम एक एक कंट्री में जा सकते हो, कहाँ जाओगी? नहीं ये तो नहीं बोल सकते, दोनों अभी अपना ही जैसा है, अभी दूसरा बोलेगा तो टगे और टगे वैसे ही मसाल दे रहे हैं, टगे टगे वैसे ही कह रहे हैं दुवाने। पता नहीं मेरे को दोनों प्यारे लगते तो, पर दोनों अपने मूले के पास में तो हम चूज नहीं कर सकते। नहीं नहीं आवाज है, आवाज 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 भी आए आया। तुम तरक्की करोगी। अच्छा। माया उसको भेजो, भाई को भेजो, वो खावर सो तो नहीं गया? ओ आ गया ही, फिर हल है तेन अगो बरास पुणा ही आंदा यार। की करा मैं तुम्हें से इतनी अच्छी उर्दू में बात करो, बरनौल ला ला मैं का करा था इसका भाई? ऐसा 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 बात करना मेरे से अभी ठीक है कलकत्ता का, इसका बात कर, इसके लिए को वर ढूंढ। क्या हुआ किधर घुमा वर तुम? ओए वर कहते इसके लिए ढूंढ। की ढूंढ भाई, ढूंढ ले आप ही, मैं क्या ढूंढूं उसका भाई, ऑर्डर बा दें आप हमका। बेगैरत आदमी जवान बहन से काम करवाता है, डूब के भर जा। की भाई ट्राली लवा ली और को मैं की करा लिया यार, बहन कैसे वो कलीग हमका? नहीं नहीं बहन ही मेरी तो, बच्चों जैसी बहन है जरा भाई। बहन बहन ओके, बहन से बहनों को मिला। आ जा इधर, कैसे तू भी बही जानी बहाने बहाने ना, आर्डर की देना थोड़े यहाँ, आर्डर दस दिन टाइम सिर बहुत हो गया चुगल मिला। आर्डर मेरा है कि सवेरे 6 बजे तेनू फांसी दे दी जाए, ये मेरा आर्डर है फाइनल। नादरी नोके अपना ख्याल रखो, मैं तेनू पढ़ देते ने मैसेज कोई आर्डर। अवैस भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। और नादरीन चल हिला दे, उन्होंने दस दे, उन्होंने पता तो है क्या, अब मोबाइल भी ही है।
यार मैनू ही गई गए ने सारा आओ यार साढ़े बड़े प्यारे दोस्त ने वैस भाई उन्हों का कैफे नवा वैसे कितों शुरू किया कि देर हुई तकरीबन चार महीने हो गए ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਟ ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਨੇ ਓਵਰਆਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਹਿਣ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਫੇ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੈਫੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨਾ ਚਲੋ ਵੈਸ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਭਾਈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਮੁਝੇ ਬਸ ਐਸੇ मैं नादरीन एक छोटा सा पॉडकास्ट शुरू करने लगा हूं कि भी बल्कि आपको भी बता दूं कि जो दुबई में बहुत ज्यादा लोगों ने स्ट्रगल की है जी जी। 10 साल पहले आए 8 साल पहले आए उसके बाद बड़े मुश्किल हालात देखे फिर आहिस्ता 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 आज वो माशाल्लाह स्टेबल है मतलब बहुत सेट है घर में सब उनकी कुछ स्टोरी सुनूंगा मैं नो सेलिब्रिटी नो कोई आर्टिस्ट नहीं वही बंदा होगा जिसके पास कुछ इंटरेस्टिंग होगा ताकि आगे अगर कोई देखे तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा अगर मैं चाहता हूं तो मैंने क्या क्या चीजें करनी है क्या क्या नहीं करनी तो ये मैं एक पॉडकास्ट शुरू करने लगा हूं उसमें मैं जो कोई नामवर देसी गबरू भाई हैं या और भाई हैं या कोई आते हैं उनको भी लाऊंगा क्योंकि वो भी ऐसे ही आए हैं तो वो उसके लिए ये है कि मैं कभी कभी आ जाया करूंगा लेके तो आपकी मेहरबानी चाहिए बहुत शुक्रिया थैंक यू चलिए बेटा मेरे तो शुरू करना हाँ पॉडकास्ट सब बेटा मैं पूछना वा कि तुम जो आए थे कख नहीं सी हूं इना कुछ कि बना लिया तेरी स्टोरी ते 15 सेकंड च मैं ही दस के वाइंड अप कर देना कि जो आया उदो कख नहीं सी ए हुण भी कख नहीं यार की अपना ख्याल रखी अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात तेरे इना के प्रोग्राम होना यानी पॉडकास्ट आया कि इहदी स्ट्रगल का पूछना 3 साल हो गए ने अस्सलाम वालेकुम नादरीन मेरे साथ खावर शाह साहब है माशाला और इनसे पूछते हैं कि आप जब 2-3 साल पहले आए थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था ऐसा मतलब आप एक बड़े नॉर्मल आए थे यहाँ पे जी जी और आज भी कुछ नहीं है बस ये था अपना बहुत ख्याल रखिए पॉडकास्ट खत्म हो गई है अगले पॉडकास्ट में आपको फिर दावत देंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज चलो इन्नी की तेरी पॉडकास्ट